वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, मेरे चैनल स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। और आप लोग आसपास जो नॉइस लगातार आ रही है उसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि आज सुबह से यहाँ का यही माहौल है। खूब कीर्तन चल रहे हैं, सत्संग चल रहा है और किस चीज़ का है हम नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसपास होती रहती हैं। बहुत सारे आज पंडित जी लोग जा रहे थे, कोई भगवा पहने हैं, कोई मरून कलर का पूरा ऊपर से नीचे तक धोती कुर्ता पहने हैं, तो कुछ आयोजन होगा, हम लोगों तक उसकी कोई सूचना नहीं है। और आसपास इतनी बस्ती बस गई है, आसपास इतने सारे नए लोग आ गए हैं कि किसी न किसी के यहाँ कुछ ना कुछ लगा रहता है। कोई गृह प्रवेश कर रहा है, कोई बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और बिना हंगामे के तो कोई भी चीज़ नहीं होती है किसी के यहाँ भी। एक सिंपल सा क्या गृह प्रवेश था कुछ दिनों पहले यहाँ हमारे पीछे वाली लाइन में, बाप रे, हम लोगों को जाके उनको बोलना पड़ा था कि प्लीज़ अब बंद कर दीजिए, 11 बज रहा है, हमारी मम्मी को पापा को दवा खा के सोना है। तब उन लोगों ने वॉल्यूम कम किया था, बंद तो तब भी नहीं किया। तो सबके यहाँ यही हाल है, सबके यहाँ क्या आप बोला जाए, खैर छोड़ो। तो इस आवाज़ को जो है आप अवॉइड करिएगा और मैं कोशिश करूँगी इसे दबा के अपनी आवाज़ बुलंद करने की, जो कि शायद हो नहीं पाती है, क्योंकि मैं जब बकबक करना शुरू करती हूँ तो मैं अपनी बातों में खो जाती हूँ। मेरा क्या वॉल्यूम आ रहा है, आसपास की नॉइस को सब मिक्सअप मिक्स हो जाती है। तो उत्कर्ष की और उत्कर्ष के पापा की छुट्टी है, कुछ आदिवासी दिवस है शायद, और राष्ट्रपति जी भी आई हैं हमारे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ जबलपुर में नहीं लेकिन मध्य प्रदेश में आई हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, खास सेलिब्रेट की जा रही हैं मध्य प्रदेश में, जो इससे पहले इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन अब इम्पोर्टेंस दी जा रही है इन सभी चीज़ों को। सो जिस दिन ये लोग घर में होते हैं तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी हो जाती है, क्योंकि हड़बड़ नहीं रहती है और कुछ कुछ खाने में भी अच्छा बन जाता है। तो दोस्तों आज मैंने ना पहली बार अपनी लाइफ में पालक पनीर बनाई है। मैं कभी भी पालक पनीर नहीं बनाई थी, क्योंकि मुझे ना वो बनाना बड़ा झंझट वाला काम लगता था। पालक छाटो, उसको उबालो, फिर पीसो, फिर बनाओ। और मैंने ना बहुत सोचा था कि मैं बनाने के पहले रेसिपी देख लूँगी, लेकिन मैं नहीं देख पाई। और मैंने सोचा कि रेसिपी में तो बहुत सारा ऑयल, घी, बहुत तरह तरह की चीज़ें दिखाते हैं और वैसे भी हम इतना बटर खाते नहीं हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के अपने स्वाद का मैं बनाकर ट्राई करती हूँ। और वो इतनी लाजवाब बनी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ दोस्तों। मुझे खुद से ये उम्मीद थी ही नहीं कि मैं इतना अच्छा बना पाऊँगी, बहुत अच्छी बनी थी। इवन हम लोगों ने ना आज एकदम ओवर ईटिंग की है, मतलब मैंने और उत्कर्ष ने तो फर्स्ट टाइम खाई, मैंने शायद खाई भी नहीं है कभी ऐसे, और मुझे याद ही नहीं कि मैंने लास्ट टाइम पालक पनीर कब खाया है। पनीर की बहुत वैरायटी खाई है, मगर मुझे कभी भी ना पालक पनीर अच्छा दिखता है, देखने में वो अट्रैक्टिव नहीं लगता था, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है। लेकिन आज की सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी है और रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे बनाया है, तो आप लोग देखिएगा। और हमारे घर में कई लोगों को टमाटर नहीं खाना अलाउड है, तो मैंने टमाटर की प्यूरी अलग से पकाकर फिर बाकी लोगों की सब्जी में डाल दी थी, क्योंकि मुझे बिना टमाटर का अलग निकालना था। तो एक तो मैं कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसमें ये कंपल्शन होता है कि कोई ये नहीं खाता, कोई वो नहीं खाता, किसी को ये चीज़ मना है, किसी को वो चीज़ मना है, तो फिर वो 10 तरह की चीज़ बनाने में मेरा मन जो है इधर हो जाता है कि यार ना ही बनाओ तो अच्छा है, डॉगी परवल जिंदाबाद। लेकिन फिर भी सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, आप लोग एक बार देख के बताइएगा कैसी बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, स्वाद बहुत गजब का, बहुत चटपटा आया था दोस्तों। मेरे मुंह में ना अभी भी पानी आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब शाम को कुछ खाने वाले हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा खाया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खाया है। मैं इतना डाइट कभी मेरी है नहीं, और शाम को होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बस एक कटोरी दाल ही खा पाऊंगी, उससे ज़्यादा तो मेरी हिम्मत अभी तक नहीं लग रही है, जबकि मैंने काफ़ी टहल वहल लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर भी देखते हैं शाम का क्या हिसाब किताब होगा। तो ये रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, फर्स्ट टाइम खाई है। तो ये तो हो गई मेरी प्यारी प्यारी टेस्टी रेसिपी की बात। अब मैं थोड़ा सा अपना घर का हालचाल आप लोगों को बता दूं, जो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मेरे ना बाऊजी अभी गए थे नाडियाड और उनकी रिपोर्ट वगैरह सब अच्छी आई है, डॉक्टर ने सब ठीक ठाक बताया, उनकी मेडिसिन कंटिन्यू चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि वो कुछ उधम ना करें। मतलब एक होता है ना बारे बूढ़े बारे एक समान होता है ना कहावत, वो बिल्कुल हमारे घर में तो एकदम फिट बैठती है, खासकर मेरे पापा जी के ऊपर तो बिल्कुल फिट बैठती है। उनने ना क्या किया, आते समय वो ट्रेन से एक जगह ट्रेन रुकी थी, तो विवेक जी को कुछ लेने के लिए उनने बोला, विवेक जी प्लेटफॉर्म पे उतरे हैं और पीछे पीछे वो भी उतर गए, जबकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है उतरने की, इतना ज़्यादा वो जर्नी में थक भी जाते हैं, और वो उतर गए। अब विवेक जी उनको ना सडनली अपने बगल में देख के घबरा गए कि अरे पापा ट्रेन से उतर गए हैं, और उनको लगा कि पापा ट्रेन 2 सेकंड के भी लेट हो जाए तो पापा तो दौड़ नहीं सकते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वो पापा के ऊपर लेके आए और उन्होंने उनको वापस से सीट पर बिठा दिया। और फिर जब यहाँ पे स्टेशन पे उतरे हैं उस टाइम पे बाऊजी जो है खड़े खड़े गिर गए,
बाबू जी ने कहा मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं कैसे गिर गया। हालांकि इसमें कुछ ना कुछ तो हम लोगों को झोल लग रहा है कि आप अच्छे बने खड़े हो, घर में कभी नहीं गिरते, कहीं नहीं गिरते, वहीं क्यों गिर गए। और सडनली एक आदमी उनको पकड़े हुआ था, अब उसके पकड़ने पे वो कैसे गिर गए वो भगवान ही जाने। तो उनको ना पैर में थोड़ी सी चोट आ गई है आने के बाद, मतलब पिछले ट्यूसडे को वो आए थे, एक हफ्ता हो रहा है, और बाबू जी का ना पैर थोड़ा सा नील पड़ा हुआ था, तो हम लोग उसमें आर्निका और आर्निका पीने को भी दे रहे थे ताकि चोट का दर्द ना हो, और उनको कोई दर्द वर्द इतना था नहीं। लेकिन अब ना वो अंदर अंदर नील बढ़ गया है, काफ़ी दूर का गहरा हो गया, और अब बाबू जी बोल रहे हैं कि मुझे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है बेटा, चलने में भी दर्द पता चल रहा है। तो उनको कुछ ऐसी मेडिसिन हम लोग दे नहीं सकते, तो आज फिर वो डॉक्टर के पास गए हैं, लोकल डॉक्टर के पास। उन्होंने कहा कि हम एक्सरे कर लेते हैं, और अगर अंदर अंदर पस वगैरह कुछ बन रहा है तो फिर हम उसके लिए बताएंगे आपको क्या हो सकता है, उनकी किडनी विडनी को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो मतलब हम लोग ना डॉक्टर से छुट्टी पा नहीं रहे हैं, कुछ भी हो जाए, हम लोग कितना भी अच्छे से रह लें, वो हर बार कुछ ना कुछ करते हैं, और उनको हम लोग को लेके भागना पड़ता है डॉक्टर के पास। पिछली बार दांत की वजह से हो गया था, फिर यहाँ के डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया तो उनकी किडनी पे असर पड़ गया, किडनी फिर लेके नाड़ी अड भागो, फिर वहाँ से लौट गया, फिर पैर में चोट लगा लिया। तो वो कुछ ना कुछ उथल पुथल करते रहते हैं, और हम लोग उनको ना एकदम फिर बच्चों जैसे दुखी हो जाते हैं कि तुम लोग हमको डांटो मत भाई, हमसे हो गया ना, हमसे गलती हो गई, अब हम क्या करें। जब उनको दर्द होने लगता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और हम लोगों की प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हम उनको हर मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। जैसे घर में इसको चोट लगती है, मुझे चोट लगती है, तो हम लोग फटाफट कुछ ना कुछ एक पेन किलर या इस तरह का दे देते हैं, ज़्यादा मेजर चोट होती है हल्दी वाला दूध दे देते हैं, उनको तो वो भी उतना ज़्यादा अलाउड नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम उनको हल्दी दूध भी ज़्यादा नहीं दे सकते, सिर्फ एक टाइम देना है उनको, और आर्निका भी एक दो टाइम देना है। मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन है, जिस किसी को इतना रिस्ट्रिक्शन लगा हो उसको कितना फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, एक छोटे बच्चे की तरह हम लोग को उनको देखना पड़ता है, उसमें भी वो कुछ ना कुछ उधम कर लेते हैं। तो खैर डॉक्टर के पास गए हैं, जैसा होगा वो मैं बताऊंगी। तो पता है क्या होता है कि घर परिवार में ना ये सब चीज़ें हर किसी के साथ लगी रहती हैं, हम लोगों का एक सेटअप होता है कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना, उसमें अगर कोई अचानक से कोई चीज़ आ जाती है ना तो ऐसा लगता है कि बिजली गिर गई क्या ही बोलूँ मैं। खैर सभी के यहाँ होता है, मैं जानती हूँ कई लोग जब मैं इस तरह की वीडियो बनाती हूँ या अपनी बात बताती हूँ तो सभी लोग अपने अपने घर का कुछ ना कुछ शेयर करने लगते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, तो सभी लोग यही चीज़ें फेस करते हैं, और हम लोग तो मिल के करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अकेले नहीं करती हूँ, इसके पापा चाचा सब लोग मिल के करते हैं। थोड़ा थोड़ा उत्कर्ष भी ख्याल रखते हैं, उत्कर्ष ज़्यादातर अपनी दादी का ख्याल रखते हैं क्योंकि वो खुद भी बहुत संभल के रहती हैं, और उत्कर्ष और दादी की बहुत अच्छी जमती भी है। दादाजी जो है वो हम लोग मिल मिल के उनका कर पाते हैं, क्योंकि वो है ना कि ज़्यादा बात बात मानते नहीं हैं बड़े लोग, उनका अपना अनुभव होता है, फिर वो कहते हैं बेटा हम कभी बंधन में तो रहे नहीं, तुम लोग हमको कितना बंधन में रखते हो, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ऐसे जाओ, हम साथ में वॉकिंग पे चलेंगे तब आप वॉक करने जाना, अकेले नहीं जाने देते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी शिकायतें तो कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन यही है कि इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग, कि उनको चोट ना लग जाए, उनको कुछ ना हो जाए, हम लोग इतना बंधन बना के रखते हैं कि आप अकेले नहीं जाइए, किसी के साथ जाइए, क्या खा रहे हैं हमको बता के खाइए, बहुत सारी चीज़ें। और बस विवेक जी का अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है, इस समय टूर्नामेंट्स चल रहे हैं तो उनको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह से प्रेजेंट रहना होता है, वो अपना वो उसी काम में बिल्कुल व्यस्त हैं, ज़रा भी इधर उधर उनका टाइम नहीं होता। कल भी रात 11 बजे तक उनकी मीटिंग चली है, तो बस यही है हम लोगों का रूटीन, और इसी में उनको कभी सम्मान मिल जाते हैं, योगा जो मुझसे कभी नहीं होगा, और वो जो है योगा में रमे रहते हैं, बिल्कुल हर एक चीज़ उनकी योगा से जुड़ी रहती है, सारे सेमिनार अटेंड करते हैं, पेपर प्रेजेंट करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मैं बस वो जब बताते हैं तो मेरे ना यहाँ से ऐसे निकल जाता है ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती है ये सब चीज़ें, ज़्यादा योगा वोगा की ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हाँ एक चीज़ याद आई कि मुझे ना सडनली एक बहुत तेज़ चक्कर आया था, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी अपना, और सडनली मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया घूम गई है, तो इधर बीच ना वो भूकंप वगैरह भी आ रहे हैं, मैंने कई जगह सुना एमपी में यूपी में हर जगह बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद भूकंप आया, तो मैं ऐसे 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 चारों तरफ देख रही थी कि क्या क्या हिल रहा है, मेरे अलावा कुछ नहीं हिलता दिखा मुझे। तो फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, विवेक जी नीचे शॉप में ही थे, वो दौड़ के आए, और मैंने कहा कि विवेक जी सारा सब घूमे जा रहा है, मुझे बहुत शायद चक्कर आ रहे हैं। उनने कुछ नहीं किया, मुझे बेड पे पकड़ के मेरे ये जो दोनों थंब हैं इनमें इतनी ज़ोर से ऐसे करके प्रेस किया कि मेरा वो चक्कर वक्कर तो किनारे गया, वो जिस तरह से मुझे नाखून दबा के इतनी ज़ोर से प्रेस से उन्होंने करा ना, मैंने बोला कि आप ये क्या कर रहे हैं, बहुत तेज़ लग रहा है, तो कहा कि इससे भी तेज़ थेरेपी दी जाती है तुमको, तो मैं धीमे ही दे रहा हूँ, लेकिन हाँ वो क्विक चक्कर मेरा जो है अचानक से वो रुक गया, मतलब मुझे फिर इतनी जल्दी सडनली आराम आया,
और मुझे लग नहीं रहा था कि ये सब कुछ काम वाम करता है कि प्रेशर, लेकिन उन्होंने ये दोनों अंगूठों पे कम से कम 3 मिनट प्रेस किया होगा, 3 मिनट उन्होंने प्रेस किया और उतने में मेरा सारा सब कुछ ठीक हो गया। तो मुझे ये लगा ना कि जैसे मान लो कोई सड़क पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अचानक से आ जाए, पहले तो हमें समझने में ही टाइम लग जाता है कि ये मुझे चक्कर आ रहा है या क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। जैसे मुझे लग गया, मुझे लगा भूकंप आया है। तो फिर ये मुझे समझ आया कि आगे से अगर मुझे कभी ऐसे खाना बनाते बनाते आया या मैं कहीं कुछ जा रही हूँ और अचानक से ऐसा लगा कि सब कुछ घूम रहा है, तो यही प्रेस करना है। और मुझे ना गैस की वजह से अक्सर ऐसा होता है, मेरा वात वाला शरीर है तो मुझे कभी कभी गैस की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, उस वजह से मुझे हमेशा ये, मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको गैस की प्रॉब्लम की वजह से चक्कर आता है, आप नीचे से ऊपर उठती हैं तब आपको चक्कर आता है, तो ये जेन्युइन बात थी। मैंने कभी किसी के साथ ये बात शेयर नहीं की थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा बेटा जब आप नीचे से ऊपर अचानक उठते हो तो आपको चक्कर आता है क्या? मैंने कहा हाँ आता है। तो उन्होंने बोला कि आपको गैस की वजह से होता है। तो मेरी मेडिसिन वगैरह तो अभी बंद है वो वाली, इस वजह से शायद बन गई होगी गैस। तो ये थेरेपी मुझे पता चली है, और आप लोगों में से बहुत लोगों को हो सकता है पता हो, मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। तो जब भी कभी चक्कर आएगा तो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाया जाएगा। एक्सक्यूज मी मम्मा, ये जो एक्यूप्रेशर होता है ये एक ब्रेन का होता है, मतलब ब्रेन का होता है, ये लेफ्ट वाले का होता है, ये राइट वाले का होता है। ये किसने बताया तुमको? पापा ने। अच्छा, दोनों को अब दबाओगे तो आपका कुछ ठीक हो जाएगा, चक्कर आ रहे हैं तो वो तुरंत ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रेन का होता है। और ये ब्रेन का होता है, ये भी ब्रेन का होता है ऐसा? हाँ, और ये पैर का होता है। ये पैर का होता है, ये सब ज्ञान पापा ने कब दिया तुम्हें? वीडियो दिखा रहे थे। इसका तो नहीं पता, इसका भी नहीं पता। तो अभी तुमने बोला ये पैर का होता है, तो जब इसका नहीं पता, इन दोनों का पता है और इसका पता है। हाँ, फिर ये इसका नहीं पता, इसका नहीं, ये तुम्हारे पापा और तुम्हारा ज्ञान ऐसे ही है। बहुत ही अच्छी सी म्यूजिक भी बज रही है, कहीं वेल्डिंग भी हो रही है। तो मैं व्लॉग अब यहीं पे एंड कर ले रही हूँ दोस्तों, व्लॉग लंबा हो जाएगा, रेसिपी भी है और पूजा पाठ भी मैंने थोड़ा सा शेयर किया आप लोगों। तो अब मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और एक्यूप्रेशर पॉइंट मत भूलिएगा, ये होता है, मुझे तो गैस के लिए बताया था, इनको इनके पापा ने ब्रेन के लिए बता दिया है। अच्छा ठीक है, तो ये एक लेफ्ट का एक राइट का और ये दोनों पैर का और बाकी का हमें नहीं पता। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय 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 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।